लोहरदगा जिले में मंगलवार को कृषि बाजार परिसर स्थित मतगणना केंद्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतों की गिनती शुरू हो गई है। तृतीय व चतुर्थ चरण में डाले गए मतों की गिनती शुरू हो गई है। आवश्यकता पड़ी तो मतों की गिनती दूसरे दिन भी जारी रहेगी। मतगणना में कुड़ू के 168 मतदान केंद्रों के लिए 20, सेन्हा प्रखंड के 139 मतदान केंद्रों के लिए 20, कैरो प्रखंड के 76 मतदान केंद्रों के लिए 15, लोहरदगा प्रखंड के 135 मतदान केंद्रों के लिए 17 और भंडरा प्रखंड के 114 मतदान केंद्रों के लिए 14 टेबल बनाए गए हैं, जिसमें कुड़ू के लिए 9, सेना के लिए 7, लोहरदगा के लिए 8, कैरो के लिए 6 और भंडरा के लिए 9 राउंड में गिनती होगी। चरण का जो मतगणना हुआ था वो भी बहुत शांतिपूर्ण हुआ था, उसी तरह से इस बार भी जो है सारी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं और सुरक्षा की भी व्यवस्था प्रीमाइसिस में और प्रीमाइसिस के बाहर भी काफ़ी मात्रा में जो है पुलिस और सुरक्षा के जवान लगे हुए हैं, तो व्यवस्था पूरी है और शांतिपूर्वक मतगणना जो है संपन्न कराई जाए। सर, बाहर जो लोग जीत करके आ रहे हैं, जैसे प्रपोजल की बात आ रही है, वैसे में जो मतलब जीत करके प्रत्याशी अरे खुशी से मतलब हल्ला गुल्ला करो, उसको शांति के लिए क्या करें? मेरा यही अपील रहेगा सबसे कि शांति बनाए रखी जाए और ज़्यादा भीड़ भाड़ ना किया जाए, जो भी जीत की खुशी है वो सादगी से मनाई जाए, ये मेरी अपील। देखिए, आज इस काउंटिंग के दिन में अलग से डिप्लॉयमेंट हो चुका है, आप लोग के देख सकते हैं बहुत सारा जगह पर हम लोग बैरिकेडिंग लगा हुआ है और एक्सेस कंट्रोल कर रहा है भीड़ आने के टाइम में बाकी सब जगह पर, और विशेष तरह से हम लोग डिफरेंट मोर्चा भी बना हुआ उसमें, और QRTs हमारा बहुत सारा QRTs टाउन में भी इधर आसपास का जगह पे। लोगों से क्या अपील करते हैं? लोगों से यही अपील है, एक ये डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल है, इसका मतलब कोई भी मतलब रिजल्ट आ रहा है उसको एक स्पिरिट से लेना है, और इस चुनाव को कैसे शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग कंडक्ट किया है, ये काउंटिंग को भी मतलब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए लोगों से थैंक यू। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।